पुलिस डिपार्टमेंट गलत करेगा, यहाँ पे आकर ठोस कर जाएगा, यहाँ पे आकर गैर चंद्र करके मुझे चले जाएंगे, ये कौन सा तरीका? मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट किस चीज का हूँ मैं? इसका मतलब ये मजबूर कर रहे हैं मुझे रिजाइन देने के लिए। मैं पूरे 10,000 आदमी के साथ में रिजाइन दूंगा और रिजाइन दे के दिखाऊंगा कि पूरे को कि कहाँ हम लोगों को ठोस रहे हैं 5 दिन के लिए। क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं? हमें एक कंसर्न SHO साहब की जिम्मेदारी है, यहाँ नहीं है क्वार्टर जो चोर चिकार है उनके लिए क्वार्टर श्रीनगर में है, जो ईमानदारी से चलता है उसके लिए कॉर्नर सेंटर है। SSP साहब को नहीं पता है? कोई अफसर यहाँ बैठ कर देखे ये क्या है? वार्ड मेंबर लाया, सरपंच लाया, पंच लाया, यहाँ पे ला दिया, ठोस दिया, वो मजबूरी क्या, कोई किसी की क्या गलती है? मेरी वो परेशानी नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं पूरे गवर्नर साहब से भी ये कहता हूँ कि ये गलतियाँ हो रही है हमारे साथ। गवर्नर साहब तक पहुंचाऊंगा, गवर्नर साहब को इस चीज का, गवर्नर साहब भी कहता है, IG साहब ने बोला, विजय कुमार साहब ने बोला कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको सिक्योरिटी दे दो, दी इन्होंने। गवर्नर साहब बोलता है कि मैं करूंगा, क्या हूँ गवर्नर साहब को मैं कहता हूँ इस चीज का कि हमारे साथ ज्यादती कर रही है पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे साथ ज्यादती कर रही है, हमारे घर से अंदर ठोस कर उनके हवलदार, उनके सिपाही चले जाते हैं और उनके SHO पर फोन ही नहीं उठाते, उनके SHO भी हमारे साथ ज्यादती करते। मेरी नहीं मर्जी है यहाँ पे मुझे कौन सी जबरदस्ती है? अगर मैं इनके कागजों में हूँ मुझे क्वार्टर चाहिए, कागजों में नहीं हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए इनका। मैं कल रिजाइन दूंगा मैदान में, मैं क्यों नहीं रिजाइन दूंगा 10,000 आदमी के साथ? देखो क्या फायदा होता है, रिजाइन दिलवाती है ये बेल्ट फोर्स, ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब दिलवाता है। मैंने गवर्नर साहब से भी कहा है, मैंने होम मिनिस्टर को भी लिखा है, यहाँ से हमारी रिपोर्टें भी गई, ठीक है मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ, मुझे ये निकाल दे, ये हमारी रिपोर्ट खारिज कर दे, मैं आज़ाद हो जाऊँ, मैं बच्चों को पालूँ, मैं अभी बच्चों को क्यों मारूंगा? यहाँ एक आदमी को यहाँ ला कर कोरोना सेंटर में रखते हैं, यहाँ हालात देखे, कोई अफसर बैठे, कोई सिपाही इनका बैठे, कोई DC डिपार्टमेंट का, DC ऑफिस का कोई क्लर्क यहाँ पे बैठे, मैं मानूंगा उसको? मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये दगाबाजी है, ये झूठ है, ये फ्रेब है, ये मौके का फायदा उठाती है, बेल्ट फोर्स भी उठाती है और यहाँ के कंसर्न SHO साहब है वो भी मौके का फायदा उठाते हैं। हमारे को कोई बेनिफिट नहीं है, हमारे कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारा कोई ख्याल इनको नहीं है। ये वक्ती तौर 4 दिन के लिए बोलते हैं आपको यहाँ रहना है, बाद में आपको कोई खतरा नहीं है, 3 दिन के लिए रहना कोई खतरा नहीं है, फिर हमें स्टेट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किस चीज़ का बनाया गया? हम BJP के हैं, हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, वो ये डिपार्टमेंट कर रहा है, बेल्ट फोर्स कर रहा है, ये DC साहब का डिपार्टमेंट कर रहा है, सभी डिपार्टमेंट में। गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि हमारा या हमारे तहफ़ या हमारी सिक्योरिटी दी जाए, अकोमोडेशन दी जाए, वरना हम लोग सड़कों में आकर के एहतजाज करेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, एडवाइजर साहब से गुजारिश करता हूँ, DG साहब से गुजारिश करता हूँ, क्या बोलते हैं IG साहब विजय कुमार साहब से, जो उसकी गाइडेंस है उसके तहत भी नहीं हो रहा है काम यहाँ पे, हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है तो मुझे समझ नहीं आ रही है। चोर चकारों के लिए क्वार्टर श्रीनगर में, चोर चकारों के लिए क्वार्टर जम्मू में और हम लोगों के लिए कोरोना सेंटर, हम लोगों के लिए बीमारी का सेंटर। हम कहते हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर लेके दे, हम उसके लिए तैयार,